बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 4 बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसकी हादा मश्क बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मुख्तसर करें। और बच्चों जोज नंबर 1 ले लिया, ए का स्क्वायर +2 ऊपर जजर, फिर प्लस ए का स्क्वायर -2 ऊपर जजर, ए का स्क्वायर +2 ऊपर जजर, माइनस ए का स्क्वायर -2 ऊपर जजर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू इसी तरह आ गई, ए का स्क्वायर +2 प्लस ए का स्क्वायर -2 ओवर हमारे पास ए का स्क्वायर +2 माइनस ए का स्क्वायर -2। बच्चों इसका क्या ले लेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट क्या होता है, ये दरमियान वाली रकम को तब्दील करके, ये दरमियान वाली इसी वैल्यू के साथ ज़रब भी कर देंगे, ए का स्क्वायर +2 प्लस ए का स्क्वायर -2 ओवर ए का स्क्वायर +2 प्लस ए का स्क्वायर -2। बच्चों ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ तकसीम कर देंगे। तो बच्चों ऊपर ऊपर ज़रब करेंगे तो ये सेम फैक्टर है, सेम फैक्टर का होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ए का स्क्वायर -2 इसका होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओवर। बच्चों ये सेम फैक्टर है हमारे पास, ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये एक माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है। हमने एक फार्मूला किया था, ए स्क्वायर -B² किसके बराबर है, ए -B इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों ये देख लें, ए -B और इंटू ए प्लस बी। बच्चों सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो बच्चों मसावी इसी तरह आ गई बच्चों हमारे पास। तो बच्चों ए प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइ प्लस 2ab। बच्चों हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया, ए प्लस बी होल का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर +2ab के बराबर, और ये एक माइनस का फैक्टर था एक प्लस का फैक्टर था, ए स्क्वायर -B² कर दिया, मरबा जजर कैंसल, मरबा जजर कैंसल। तो बच्चों ये ओवर हमारे पास इसी तरह आ गया, इसका फार्मूला ओपन कर दिया तो नीचे मेरे पास क्या बच गया, ए का स्क्वायर +2 माइनस ए का स्क्वायर -2। तो बच्चों मरबा जजर कैंसल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए का स्क्वायर +2 प्लस ए का स्क्वायर -2। तो बच्चों ये +2 इसी तरह आ गया, इस रकम के ऊपर भी जजर है, इस रकम के ऊपर जजर, हम जजर एक कर देंगे तो साथ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर +2 इंटू ए का स्क्वायर -2। बच्चों ये जरब के अंदर नीचे वाली वैल्यू इसी तरह जरब के अंदर लिख देंगे, दोनों का जजर एक लिख लेंगे, दोनों के ऊपर जजर था तो एक जजर लिख लेंगे ओवर। बच्चों मेरे पास आ गया ए का स्क्वायर +2 ब्रैकेट से पहले माइनस, माइनस का ए स्क्वायर नफी नफी जमा का 2 आ गया। तो बच्चों मेरे पास प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर के साथ कैंसल, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास आएगा 2a का स्क्वायर +2 इनटू। तो बच्चों ये देख लें, एक प्लस का फैक्टर है एक माइनस का फैक्टर है। बच्चों ये सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर, हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है। तो बच्चों पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। बच्चों ये एक प्लस का फैक्टर था एक माइनस का फैक्टर था, ए स्क्वायर -B² कर दिया, ये ए
प्लस ए, हमारे पास टू ए स्केयर आ गया, नीचे वाला टू प्लस टू, नीचे क्या आ गया हमारे पास है फोर, मसावी इसी तरह। तो बच्चों मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, टू, मेरे पास क्या बचेगा ए स्केयर प्लस टू, टू के साथ कैंसल, तो बच्चों मेरे पास आ गया बेस की पावर होल की पावर जरब ए की पावर फोर माइनस दो दुनी चार आ गया, ओवर हमारे पास चार, दो एकम दो, दो दुनी चार, तो बच्चों मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर माइनस फोर ओवर टू आ गया। बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर वन। बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर वन। इसी तरह बच्चों जोज नंबर टू करेंगे, बच्चों हमारे पास जोज नंबर टू है वन ओवर ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन ओवर ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का जजर। तो बच्चों ये जोज नंबर टू है, हम इसका क्या ले लेंगे बच्चों, जुआ जाफकल ले लेंगे। बच्चों क्या ले लेंगे इसका, जुआ जाफकल, ये मसावी इसी तरह। जुआ जाफकल क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इन टू, इसी तरह बच्चों ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बच्चों क्या ले लेंगे इसका, जुआ जाफकल ले लेंगे। जुआ जाफकल के अंदर ये दोनों वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। बच्चों ये माइनस वाला फैक्टर इस माइनस वाले फैक्टर के साथ कैंसल, अब ये वाला फैक्टर बचेगा, ये वन के साथ जरब के अंदर आ जाएगा, ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस है एक्स का स्क्वायर। बच्चों हमने इन दोनों रकमों का क्या ले लिया, जुआ जाफकल, जुआ जाफकल के अंदर ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, और ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल, ये प्लस वाला फैक्टर वन के साथ क्या आ जाएगा, जरब के अंदर यहाँ पर मौजूद हो जाएगा, और ये माइनस इसी तरह। बच्चों प्लस वाला फैक्टर इस प्लस वाले फैक्टर के साथ कैंसल, और ये वाला फैक्टर वन के साथ क्या आ जाएगा, जरब के अंदर ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। बच्चों ये माइनस वाला फैक्टर इस माइनस वाले फैक्टर के साथ कैंसल, ये जो सा फैक्टर है ये वन के साथ क्या आ जाएगा, जरब के अंदर, और ये माइनस आ गई दरमियान में। प्लस वाला फैक्टर इस प्लस वाले फैक्टर के साथ कैंसल, ये जो सा फैक्टर है माइनस वाला ये वन के साथ जरब होके यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास मसावी इसी तरह, ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले माइनस, माइनस का ए माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें, एक माइनस का फैक्टर है एक प्लस का फैक्टर, दरमियान में माइनस, इसके दरमियान में प्लस है, सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है। तो बच्चों पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों ये प्लस का ए माइनस का ए कैंसल, हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, मरबा जजर कैंसल, मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामते चेंज कर देंगे, माइनस का ए स्क्वायर नफी नफी जमा का एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल, वन अददी सर वन अददी सर, मेरे पास कितना आ जाएगा टू इंटू ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर जजर, वन प्लस वन टू आ गया, ये जजर वाली वैल्यू इसी तरह। तो बच्चों नीचे क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर जोज नंबर टू का। अगर किसी भी स्टूडेंट को नाइन्थ क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें। बच्चों मैंने चैप्टर नंबर वन भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया, उसकी तमाम एक्सरसाइज की मसालें भी की हमने, और मतफर आधा मश्क भी हमने की है। इसी तरह बच्चों चैप्टर नंबर मैंने टू भी कंप्लीट करवा दिया, और चैप्टर नंबर फोर भी बच्चों हमने कंप्लीट करवा दिया, मैंने उसकी तमाम मैंने एक्सरसाइज भी करवाई है चैप्टर नंबर फोर की,
और तमाम मसाले भी मैंने करवाई हैं और इसकी आधा मश्क की भी मैंने कंप्लीट करवा दी। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़। दो में ज़रूर याद रखना।